सबको मेरा जोहार। मेरा नाम नीरज मुंडा है और आप सबका मेरा YouTube चैनल मुंडारे इतुन में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। क ख ग घ, इन अक्षरों को मुंडारी भाषा में किस प्रकार और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लाइन है क ख ग घ ङ। इसमें ये जो ग वाला लेटर है, ऐसे लेटर में अगर चंद्र बिंदु लगा हो तो हम लोग मुंडारी में उसे क्या कर देते हैं, अंगा कर देते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, अंगूठी। हिंदी में अंगूठी, इसे अगर हम लोग मुंडारी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आ, क्या बताए थे, गा के जगह अंगा, फिर गू, फिर ठी, अंगूठी। गौर करिएगा, ये हिंदी वर्ड है और ये भी हिंदी वर्ड ही है, लेकिन इसे हम लोग मुंडारी से लिख रहे हैं। गौर ये है कि हम लोग को मीनिंग पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसको मुंडारी में लिखते कैसे हैं वो समझना है। और एक बात, हम लोग ज्यादातर मुंडारी में छोटी ई की मात्रा को यूज करते हैं, बड़ी ई की मात्रा मुंडारी में बहुत कम प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं दूसरे लाइन पे, च छ ज झ ञ। इस वाले लाइन में हम लोग मुंडारी में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अब चलते हैं तीसरे लाइन पे, ट ठ ड ढ ण। इस लाइन में हम लोग मुंडारी में ये अण वाला लेटर को चेंज करते हैं और चेंज ये होगा, अण के जगह हम लोग ना का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, प्रणाम, ये हो गया हिंदी वर्ड और इसको हम लोग मुंडारी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका मुंडारी वर्ड हो जाएगा पा रा नाम, पर नाम। हिंदी में है अणा और मुंडारी में हो जाएगा ना। दोस्तों मैं और एक बात बताना चाहूंगा, ये जो प्रा है, प्रा, इसे हम लोग मुंडारी में रा का उपयोग करते हैं, प र। इस लेटर को और एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे द्र, समुद्र, तो इसे हम लोग मुंडारी में कैसे लिखेंगे, सा मु दर, समुद्र। तो चलते हैं अगले लाइन पे, त थ द ध न। इस लाइन में कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ एक पॉइंट है, हम लोग देखिए डिफरेंस समझिए, हिंदी में अगर हम लोग का अणा जहां पे आएगा तो वहां हम लोग ना करते हैं मुंडारी में, लेकिन अगर हिंदी में जहां पे ना आएगा तो वहां पे मुंडारी में भी ना ही आएगा। ये हो गया हिंदी के लिए। अब मुंडारी में देखिए, मुंडारी में अगर कहीं जगह ना आता है तो वहां भी हम लोग ना ही लिखेंगे। अगला लाइन है हमारा प फ ब भ म। इस लाइन में हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है मुंडारी में। अब देखते हैं अगला लाइन, या रा ला व। इसमें हम लोग दो चेंजेस करेंगे, एक है वा और एक है या के बदले होगा ए और वा के बदले होगा आ। मुंडारी में या के बदले ए और वा के बदले आ। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, वा, हिंदी में हम लोग लिखते हैं भगवान और भगवान को हम लोग मुंडारी में लिखते हैं भोगमान। तो यहां व हिंदी में होता है वा और यही वा मुंडारी में आ जाएगा
मान, तो हो गया मान। यहां आपने देखा वा के जगह हम लोग आ की मात्रा यूज करते हैं मान। तो अब चलते हैं हम लोग या के ऊपर। मैंने बताया था या को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे समय। समय क्या है? हिंदी। तो इसको हम लोग मुंडारी में कैसे लिखेंगे? सो म ए, सोमय। ये या यहां ए मुंडारी में हो जाएगा ए, सो मय। हमारा अगला लाइंस है श, तलव्य श, मूर्धनि श और दंत स। ये तीनों हिंदी लेटर्स है, तलव्य श, मूर्धनि श और दंत स। मगर अगर हम लोग मुंडारी में लिखेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ दंत सा का यूज करते हैं। हमारे बचे हुए लेटर्स है हा। हा हम लोग यूज करते हैं मुंडारी में, और बच गया अक्षा, त्र और ज्ञान। इन तीनों को मुंडारी में यूज नहीं करते हैं। दोस्तों मुंडारी में ख घ, छ झ, ठ ध, ख ध, प भ, ये सब को हम लोग बहुत ही कम यूज करते हैं। आज मैं आपको एक हिंट भी देने वाला हूं। देखिए हम लोग जब भी वर्ड्स में आधा यूज करते हैं, जैसे स्नान, ये हिंदी वर्ड है, तो ये जो आधा वाला सा है इसको अगर हम लोग मुंडारी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्नान। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आधा सा है तो यहाँ आ क्यों जोड़ दिए? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम लोग को मुंडारी में उच्चारण उच्चारण पे ध्यान देना है। तो हम लोग स्नान को कैसे पुकारते हैं? स्नान। तो हम लोग मुंडारी में इसीलिए उसे कह देते हैं स्नान। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, व्यक्ति। यह हिंदी वर्ड है और इसमें भी आधा व जुड़ा हुआ है, तो इसको मुंडारी में कैसे लिखेंगे? वे अक्ति। उच्चारण है व्यक्ति, तो इसे हम लोग कैसे बोलेंगे? वे अक्ति। तो आप सोचिए जितना भी हिंदी वाला वर्ड है जिसमें आधा लगता है, जिसमें भी वो सारा मुंडारी में पूरा हो जाएगा। आधा सा है तो पूरा सा, आधा वा है तो पूरा वा, और आधा का है तो यहाँ पूरा क। और इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।